Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Domestic Violence Act 2005. Guys, अगर हम इसे Domestic Violence की अगर हम बात करें, इसे हम short form में DV Act भी बोलते हैं, DV Act 2005. तो guys, DV Act में अब तक हमने Section 1 से लेके Section 8 तक आपके साथ one by one discuss किया है. In this video only talk about Section 9 जो D under है Chapter 3 में. चैप्टर थर्ड हम आपको ईच एंड एवरी वीडियो में क्यों बताते हैं, वही इसलिए बताते हैं कि आपको पता चले कि अगर आपका प्री का एग्जाम है तब भी आपको पता चले कि हाँ जी हमें कैसे इस चैप्टर को याद रखना है. चैप्टर थर्ड की चीज की बात करता है पावर एंड ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स की. ठीक, अभी हम इसमें बात क्या कर रहे हैं सेक्शन 9 की. सेक्शन 9 किस चीज की बात करता है, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर. अब हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें तो कहां पर मेंशन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एन में हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर मेंशन है डेफिनेशंस में. ठीक, अब हम इसकी ड्यूटीज की बात करें तो कहां पर मेंशन है गाइस, सेक्शन 6 में शेल्टर होम की बात की गई है, सेक्शन 7 में मेडिकल फैसिलिटी की बात की गई है, सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है. ठीक, अपॉइंटमेंट की बात की है. अभी सेक्शन 96 की बात कर रहा है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर. गाइस, इसमें हम देखेंगे कि इसके सबसेक्शन 1 में क्या है. सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए में मेंशन किया गया है कि असिस्ट द मैजिस्ट्रेट. इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी के साथ कोई अग्रीव्ड पर्सन है, ये देखो ये कोई लेडी है, ठीक ये लेडी है गाइस, इसके डोमेस्टिक राइट का वॉयलेशन होता है, डोमेस्टिक राइट का वॉयलेशन होता है, शी हैज अ राइट, वो क्या करेगी, इसमें जो भी कंप्लेंट वगैरह मूव करती है, इसकी जो भी होगी उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा. आप एक बार देख लीजिए पेयर लैंग्वेज के साथ, टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट, मींस जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो मैजिस्ट्रेट को डीवी एक्ट के अंडर पूरा असिस्ट करेंगे कि हाँ भाई इसके साथ ये हुआ है, ऐसे हुए. ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसे मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे. ठीक, ये था हमारा सबसेक्शन ए. सबसेक्शन बी में क्या बताया गया है, जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर है मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एंड फॉरवर्ड द कॉपी. भाई इसे भी आप देख लो कैसे करेंगे फॉरवर्ड द कॉपी, टू मेक ए डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके लिए क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के लिए एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे जिस भी लेडी के साथ डोमेस्टिक राइट का वॉयलेशन हुआ है, इन सच फॉर्म एंड सच मैनर में भी प्रिस्क्राइब जैसे इसमें मेंशन किया गया है, अपॉन रिसीप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ अ डोमेस्टिक राइट एंड वॉयलेंस एंड फॉरवर्ड कॉपी. वो गाइस कॉपी फॉरवर्ड करेंगे कहां पर, जिस एरिया में, जिस भी एरिया में इस लेडी का, ये मान लो कोई भी एरिया है, टाउन है, इस टाउन में अगर इसके साथ मारपीट हुई है, इसके द्वारा रिस्पॉन्डेंट कौन है, ये भी हमारे सेक्शन 2 में मेंशन है, आप बताइए कौन सा सबसेक्शन है. ठीक, और यहाँ पर अगर इसमें क्या हुआ है गाइस, इस टाउन में इसके साथ क्या हुआ है गाइस, राइट का वायलेशन हुआ है, इसके साथ मारपीट की ही है और इसके घर वालों से बाहर निकाल दिया, अब भी क्या करेंगे इसे इसी एरिया के पुलिस स्टेशन में, ठीक पुलिस स्टेशन में क्या होगी, इंसिडेंट रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा, किससे किया जाएगा, पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज को. ये बात बताई है सबसेक्शन बी में. सबसेक्शन सी क्या बता रहा है कि जो लेडी है गाइस वो क्लेम कर सकती है किस चीज के लिए, इश्यूज ऑफ उसे, उसने क्लेम किया और उसे इशू होगा प्रोटेक्शन ऑर्डर, मींस उसे प्रोटेक्शन मिल सकती है. एक बार रीडिंग कर लेते हैं, टू मेक अ एप्लीकेशन, ठीक एक एप्लीकेशन मूव होगी, सच फॉर्म इन अ सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे भी इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, टू द मैजिस्ट्रेट, किसको, मैजिस्ट्रेट को. ठीक, जैसे कि इस लड़की के साथ, इस लेडी के साथ राइट का वॉयलेशन हुआ है डोमेस्टिक राइट का, शी हैज अ राइट, शी हैज अ राइट टू मेक अ टू मूव अ एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट. ठीक, ये क्या कर सकती है गाइस, एप्लीकेशन मूव कर सकती है. तो उसके बाद क्या होगा, मैजिस्ट्रेट सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद एक प्रोटेक्शन ऑर्डर इसे पास आउट कर सकती है. सबसेक्शन सी में बताया है. डी में किस चीज की बात की गई है कि जब उसके पास, मान लो इस लेडी को भी घर से निकाल दिया, इसके साथ इंजरी हुई है, इसके पास ना तो कोई शेल्टर होम है, मींस रहने की जगह नहीं है, इसे इंजरी आ चुकी है, ठीक अब इसे
कोर्ट में जा रहा है, इसने एप्लीकेशन मूव करनी है, ठीक, अब बट क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक, और ये इसके पास क्या है, ये फ्री लीगल एड में जाके अपने फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एडवोकेट एडवोकेट इसे मिल जाएगा, ठीक है, और जो इसकी इसके इस एक्ट के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट को अपॉइंट किया जाएगा इसके लिए, और वो एडवोकेट क्या करेंगे, इसका जो मैटर है उसे ट्रायल को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें एक बार और बता दें कि एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लीगल एड वाले कहां पर होते हैं, जब भी आप जिस भी कोर्ट में जाते हो उस कोर्ट में मीडिएशन सेंटर होता है, वहां पर आप जाकर बोल सकते हो, या फिर जो भी आपके मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, अगर तो आपका कोई मैटर चल रहा है आप उसमें अपने मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं, जो भी जजेस होते हैं बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास कोई भी एडवोकेट नहीं है, जब मेरे जो एडवोकेट थे वो नहीं है, तो फिर मुझे फ्री लीगल एड वाले एडवोकेट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जहाँ फ्री लीगल एड भी आप मीडिएशन सेंटर में जाके भी अपने जो एडवोकेट है उन्हें अपॉइंट कर सकते हो, एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है आपको, ठीक। तो अब सबसेक्शन ई में क्या है गाइस, इसमें बात की गई है मेंटेन अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाई जाएगी किसकी, शेल्टर होम की, मेडिकल फैसिलिटी की, काउंसलिंग की एंड लीगल एड वालों की। क्यों बनाई जाएगी भाई, ऐसे जज से आपको थोड़ी पता है कि कौन सा शेल्टर होम कहां पर है और इस एरिया में कितने कितने शेल्टर होम है, वन एंड मोर है, जज से आपको थोड़ी पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक लिस्ट तैयार करनी होती है, वो लिस्ट किसे फॉरवर्ड करनी होती है, वो लिस्ट उसने फॉरवर्ड करनी होती है मैजिस्ट्रेट को, किसके किस पर्पस के लिए, कि जब भी किसी को रिक्वायरमेंट हुए वो वहीं पर इसे भेज उसे फॉरवर्ड कर पाए, ठीक। एक तो शेल्टर होम कहां पर है उसकी, एक काउंसलिंग वाले, किसी भी लेडी का जब भी डोमेस्टिक राइट का वायलेशन होता है, कई बार क्या होता है मोर देन पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक, उसके लिए उसको क्या होता है गाइस, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो क्या है, वो काउंसलिंग के लिए भी वहां पर उनके पास लिस्ट होती है, वो काउंसलिंग के लिए भी इसे बोल सकते हैं कि इसे काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, काउंसलिंग के लिए यहाँ पर भेज दीजिए। लीगल एड का भी सेम, मेडिकल फैसिलिटी का भी एंड शेल्टर होम का, ठीक। एफ में क्या बताया गया है, टू मेक अ अवेलेबल शेल्टर होम, इसमें एक बार देखते हैं इसमें क्या बताया गया है गाइस, टू मेक अ अवेलेबल सेफ शेल्टर होम, कि जो भी ग्रीव्ड पर्सन है अगर उसे शेल्टर होम की रिक्वायरमेंट है उसे शेल्टर होम में फॉरवर्ड किया जा रहा है, जहां उसे वहां पर भेजा जा रहा है, तो गाइस एक श्योरिटी होनी चाहिए कि वो एक सेफ हो, तो एक ग्रीव्ड पर्सन रिक्वायर्ड उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी कॉपी होगी कि उसे कौन से वाले शेल्टर होम में भेजा गया है, उसकी कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट, उसकी कॉपी एंड उसकी रिपोर्ट जो भी होगी उसे लॉज किया जाएगा ग्रीव्ड पर्सन उस शेल्टर होम में, एंड उस पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ ये वाला पर्सन इस शेल्टर होम में भेजा गया है। कहां पर गाइस, ये आपको नॉर्मल बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी एरिया है, मान लो ये वाला टाउन है, इस टाउन के जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो इसी एरिया के टाउन के हिसाब से ही इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जो भी शेल्टर होम होगा सेफ वाले शेल्टर होम में। ये चीज कहां पर मेंशन है, एफ में, ठीक। और जी देखते हैं अभी, टू गेट अ ग्रीव्ड पर्सन मेडिकल एग्जामिन, जब भी कोई पर्सन है उसने मेडिकल एग्जामिन हो गया, If she has sustained body injury, forward a copy of the medical report, जो भी उसकी medical होगी वो forward copy की जाएगी। Copy guys इसमें ये है कि अगर उसे shelter home भेजा जा रहा है जहाँ उसका medical हो रहा है, examine हुई है, जो भी उसकी report होगी वो magistrate को and the near about situated the area के जो police station होंगे उस police station में भी forward की जाएगी कि इसको police in charge हो। ये बात एक आप mind में बिठा लो, ठीक। एक्ट में क्या बोला गया है, एक्ट में बोला गया है टू इंश्योर दैट द ऑर्डर, अगर उसे क्या है गाइस, इसमें बोल रहे अगर यहां पर शी इज नॉट वो कैपेबल नहीं है, शी इज नॉट कैपेबल फॉर द मेंटेन हर सेल्फ गाइस, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो गाइस अंडर सेक्शन 20 के अंडर डोमेस्टिक वाइज एक्ट के अंडर वो पैसों के लिए भी अपना क्लेम कर सकती है। इसमें अदर ड्यूटीज की बात की गई है आई में, अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक, इनके पास क्या है, अंडर कंट्रोल है, इनके पास कंट्रोल है, सुपरविजन है ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मीन ये मैजिस्ट्रेट के अंडर है कंट्रोल में,
सारे का सारा वर्क क्या है आपको भी पता चल गया होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या फंक्शन है, ठीक। एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज ऑन हिम बाय मैजिस्ट्रेट, जो भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा इनके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की जाएगी वो ड्यूटी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, परफॉर्म करेंगे बाय द मैजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, ठीक। इस एक्ट के अंडर मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी ड्यूटीज इनके ऊपर लगाई जाएगी, इसे जो भी ड्यूटी दी जाएगी, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि जो भी इनके ऊपर इम्पोज की जाएगी कि भाई आप मेडिकल, इसकी जो लेडी है इसका मेडिकल करवा रहे हैं, ठीक, आप ऐसे करो कि इसका मेडिकल करवाओ, ठीक है, जो भी रिपोर्ट है, जो अगला प्रोसेस है वो यही बनेगी, जो कोर्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को ही बोलेगी, ठीक। तो ये था जहां गवर्नमेंट के अंदर जो भी नोटिफिकेशन दी होगी या फिर इस एक्ट के अंदर जो रूल्स प्रिस्क्राइब है इस एक्ट के अंडर, ठीक, वैसे ही काम किया जाएगा जैसे इसमें मेंशन है। तो दिस इज अ सेक्शन 9 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो हमने ट्राई किया कि आपको इस लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। गाइस, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी इसके साथ प्रेस कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगती है प्लीज इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। एंड हमने आपको एक वर्क भी दिया है कि सेक्शन 2 है और रिस्पॉन्डेंट सब सेक्शन कौन सा है ये आप बताना, ठीक। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।